गुड मॉर्निंग मेरे दोस्तों, मेरे भाई बहन, माँ बाप, सबको प्रणाम। ये वीडियो मैं इसलिए सोशल मीडिया में डाल रहा हूँ कि कल या दो दिन पहले जो हमारे सेनाओं के साथ जो जेएनके श्रीनगर में जो हादसा हुआ, ऐसा दर्दनाक हादसा मैंने तो पहली बार देखा सुना। मन में कुछ अजीब सा ख्याल आ रहा है, इसलिए मैंने ये वीडियो डाला। तो हम लोगों के जो कईयों माओं ने, अपनी बीवियों ने जो शोहर को, पत्नियों को, पतियों को खोया, माओं ने बेटियों को खोया, ये सिलसिला कब से चलता आ रहा है। सरकार सिर्फ दिलासा देता है, कुछ करता नहीं है। अब सरकार एक दूसरे पे लाछन लगाते हैं, अपनी मर्यादाएं तोड़ के एक दूसरे को ब्लेम करते हैं, इस बारे में कुछ बोलते नहीं है। हम पाकिस्तान को ये कर देंगे, वो कर देंगे बोलते, ये 10 दिन के बाद ठंडा हो जाएगा, फिर एक दूसरे को गाली गलौज करना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो ये चीज़ मुझे लगता है कि हमें जो पब्लिक को या जनता को दिलासा देने के लिए करते गवर्नमेंट, बस कुछ ठोस कदम नहीं उठाते। मैं सोचता हूँ या महसूस करता हूँ, ये जो हमारे गवर्नमेंट है वीक है, या ये सर्जिकल स्ट्राइक हुआ उससे थोड़ा पब्लिक को लगा कि हाँ गवर्नमेंट ठीक ठाक है, हमारा ये गवर्नमेंट आना चाहिए, अच्छा है, गवर्नमेंट अच्छा है, काम अच्छा कर रहा है। लेकिन जहाँ हमारे जो सिक्योरिटी रीजन के बात आते हैं, वहाँ पे गवर्नमेंट फेल हो जाता है। क्यों हम पाकिस्तान से क्यों दब के रहते हैं? क्या हमारे पास इतनी सेना होने के बावजूद भी हम उनको कुछ नहीं कर सकते? एक जितने सबूत हम यूएन में रखते हैं उससे भी कुछ फर्क नहीं पड़ता। हम तो कई सालों से उनको एविडेंस दे रहे हैं कि ये हुआ, ये हुआ, इन्होंने ये किया। क्या हुआ अभी तक? वो दोनों जो टेररिस्ट है पाकिस्तान में बैठ के साला यहाँ पे यहीं के जम्मू कश्मीर के नौजवानों को यूज़ करके हमें ही बर्बाद कर रहे हैं, तो इसका क्या हाल होना चाहिए? या सेना को खुली छूट देनी चाहिए? देखिए, ये आए दिन हम लोग वाले जवान शहीद हो रहे हैं, आए दिन किसी के बेटा खो रहा है, कोई पति खो रहा है, कोई बाप खो रहा है, कोई बेटा खो रहा है, इससे जवानों के जो सोच और दिल पे थोड़ा लगता है। कई माँ बाप तो सोचते होंगे कि मेरे बेटे का ट्रांसफर जेएनके में कभी ना हो, ये हकीकत है, सोचता ही होगा। लेकिन इसके लिए कोई ठोस हल निकलना चाहिए गवर्नमेंट को। मैं तो चाहता हूँ कि गवर्नमेंट एकदम इसके लिए इस बार कुछ ना कुछ ऐसा कदम उठाए कि जो पब्लिक को भी लगे कि हाँ हमारी गवर्नमेंट ने कुछ किया है, और जो ऐसा सबक सिखाना चाहिए कि पाकिस्तान दोबारा ऐसा जिंदगी में हरकत ना करे। जय हिंद, वंदे मातरम।